नमस्ते, मैं हूँ शताक्षी गुप्ता। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, घटना घटने का इंतजार मत कीजिए, पहले से सावधान रहिए। ये तो हो ही बी अलर्ट बी केयरफुल की बात। इसी तरह से अब मैंने एक और चैप्टर शुरू किया है व्यक्ति विशेष का, जिन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तो आज मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ राजेश कदम जी का, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है पंचकोश, जिसका आज लॉन्च भी था। तो राजेश जी, मैं चाहती हूँ कि ये किताब आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये पंचकोश जो आपने आज पुस्तक आपका लॉन्च हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली आज की तारीख में इफ़ यू वॉन्ट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सो मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ? आप दोनों मिला सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। तो संपूर्ण स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो केवल हम आज की तारीख में देखते हैं अन्नमय कोश जी। तो वी सी द वाइटल्स शुड बी, बीपी शुड बी 120/80, द टेम्परेचर शुड बी 97.5 एंड हीमोग्लोबिन शुड बी 14। तो इससे हमें व्यक्ति का स्वास्थ्य पता चलता है, परंतु वो केवल उसका अन्नमय कोश जो बाहरी आवरण है केवल उसके बारे में, लेकिन इसके बाद भी उसके और चार आवरण हैं जिसके बारे में जानकारी पूरी तरह से आज के विज्ञान को नहीं है। तो जिसमें प्राणमय कोश आता है, जिसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 5 प्रकार के प्राण मतलब वायु जो है वो विचरित होते हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, तो इस प्रकार के जो वायु है जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर कला, स्किल्स, टैलेंट्स होते हैं, तो वो उसका कैसे विकास हो। फिर जो दूसरा है मनोमय कोश जो मन से बनता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता आती है। फिर विज्ञानमय कोश जो है उसके, वो बुद्धि से बनता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर यू नो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक जो है वो आता है। और जो अंतिम जो कोश है वो है आनंदमय कोश, तो वो अहंकार से बनता है, चित्त, तो उससे बनता है। तो जब वो शुद्ध होता है तो व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता आती है, तो अ कंप्लीट पर्सन इज ही हु इज यू नो नॉट जस्ट वेयरिंग सम सूट, जैसे आजकल के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। सो अ कंप्लीट पर्सन इज ही हु इज हेल्दी, स्किलफुल एंड टैलेंटेड, हु इज सेंसिटिव, हु इज हैविंग पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स हु इज कॉन्साइंशियस एंड हु इज ग्रेटफुल। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ग्रेटफुलनेस, आज वो खो गई है। भारतीयता मतलब जैसे हमने गाने भी सुने हैं बॉलीवुड में कि जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ मेहमान हमारा जान से प्यारा होता है और ज़्यादा की हमें कोई लालच नहीं, थोड़े में गुजारा होता है। तो ये सारे जो तत्व हैं, सो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, टू बी ग्रेटफुल टू अदर्स, ये हर क्षेत्र में फ्रॉम फैमिली, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नेशन, तो वहाँ से लेकर फैमिली से लेकर नेशन, देन अगेन वर्ल्ड एंड द एंटायर एनवायरनमेंट, सब जगह पर हम देखते हैं कि ये जो कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस इज लैकिंग। एंड तो जिस प्रकार अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छता अभियान ये शुरू किया, तो दिस ऑल्सो एक्चुअली शोज रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट, रिस्पेक्ट फॉर द नेबर्स, रिस्पेक्ट। सो इन दिस वे, अगर इसी ज्ञान को जिस प्रकार से एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में अगर वो कुशल हो जाए, और जैसे कुशल मतलब प्राणमय कोश अगर उसका अच्छा हो जाए, फिर मनोमय कोश, संवेदनशीलता अगर उसके अंदर आ जाए, अगर उसके अंदर विवेक आ जाए विज्ञानमय कोश को शुद्ध करके, तो ये इस, ये कैसे हो, वो सब इस बुक में हमने बताया है। और फिर यही पंचकोश को आप परिवार में उसको कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, तो परिवार का पंचकोश क्या होता है, परिवार का अन्नमय कोश क्या होता है, परिवार का प्राणमय कोश कैसे देखा जाए, परिवार में संवेदनशीलता यानी मनोमय कोश जो है उसको कैसे बनाए रखिए, संवेदनशीलता जो कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, आज कहीं ना कहीं खोती जा रही है। यस, तो इसीलिए हमें ये पंचकोश का ज्ञान जो है अगर हम अच्छी तरह से, तो इट कैन बी अ टेक्स्ट बुक इन द स्कूल्स ऑल्सो। सो विद दैट होप इन माय माइंड आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड। वही मैं आपसे ये भी कहने वाली थी कि इसकी शुरुआत जो कि अभी जिसकी उम्र हो चुकी है, शायद वो अभी इसको पढ़ने में या फिर शायद उनको अपने ऊपर लेने में, ज्ञान को लेने में शायद वक्त लगे, लेकिन अगर बच्चे से शुरुआत की जाए, बच्चे को विवेक आ जाए, पहली बार तो विवेक,
आज हम देखते हैं कि मोबाइल के शिकार बनते हैं लोग बहुत सारे. आई एम अ काउंसलर, आई एम एक्चुअली इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर एट भक्तिदंता. तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के केसेस आते हैं जहाँ पे दे हैव बिकम एडिक्ट एंड मोबाइल एडिक्शन इज आई वुड से वर्स देन ड्रग एडिक्शन. तो विच मेक्स देम इम्पर्सनल. तो एंड देन द पेरेंट्स हैव गॉट सो मच ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम. तो ये विवेक न होने की वजह से, तो ये विवेक बच्चों को कैसे प्राप्त हो और उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो यस, इट स्टार्ट्स विथ एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स. तो एंड देयरफॉर दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. सो नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक्स फॉर द किड्स बट ऑल्सो द पेरेंट्स शुड टेक इट. देन एज द चाइल्ड ग्रोज व्हेन ही बिकम्स एडोलेसेंट एंड ऑल्सो बिकम्स अ यंगस्टर, तो उनके लिए भी ये बहुत, मतलब अगर किसी को जानना है कि अब मैं विवाह करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू एंटर इन टू अ करियर, तो हाउ एम आई सपोज टू सी द पर्सन, मैं उनकी क्या कहते हैं उसको चॉइस कैसे करूँ, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, तो वो भी जानने के लिए ये पुस्तक बहुत उपयुक्त होगा. देन अगेन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन के भी 5 कोश होते हैं, तो उसको कैसे जाना जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो शक्ति है उसको हम कैसे अच्छी तरह से एकत्रित करें जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो और इफेक्टिविटी आ जाए, तो सब कुछ इस अंतिम इसमें बताया गया है. राजेश जी, मैं चाहती कि आप अपने पुस्तक को दिखा भी दें. राजेश जी की ये पुस्तक है पंचकोश. हालांकि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये सच है कि हम कहीं ना कहीं अपनी संवेदनशीलता को खोते जा रहे हैं. और इसकी सबसे बड़ा कारण, जो आपने मोबाइल, बच्चों को मोबाइल दे दिया, तो बच्चा मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, उसे पता ही नहीं रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, इन सब से बहुत दूर है. यदि आप अभी आप किसी के घर में जाइए और बच्चे हैं और मोबाइल में बिजी है, तो शायद आपको वो नमस्ते भी नहीं करते हैं. हाँ यार, जी, इनसेंसिटिविटी इज़ देयर. जी जी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पंचकोश पुस्तक के लिए. ये बहुत लोग पढ़े, लोगों को इससे ज्ञान मिले. आपने बहुत अच्छा काम, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन.